आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो हल्ला बोल में तीखी बहस। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इतिहास में पहली बार हुआ महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। अभी लागू नहीं होना था तो स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी, बीजेपी लोगों को जातियों में बांट रही है। इस तरीके के तमाम बड़े आरोप हैं जो आलोक शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी पर लगाए हैं। आज तक के हल्ला बोल में कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कही, पूरी बात आपको सुनिए। 9.5 साल क्यों लगे? पिछले जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे वो अभी तक क्यों नहीं देश की जनता के सामने रखे, उसका भी नहीं पता चल पा रहा है हमें तो। और अभी भी जो हो रहा है, अभी फला टाइम पे फिर कास्ट सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक जिस पे डेट ही नहीं है कि कब होगा, आपकी सरकार होगी कि नहीं होगी, किसकी सरकार होगी। आपने एक बिल पास करवा दिया, पहली बार इतिहास में हुआ है महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा। कि झुंझुना तो 5 दिन से चल रहा है, हम फिर पूछ रहे हैं कि भाई आपने स्पेशल सेशन बुलाया, अगर अभी लागू नहीं देना था तो स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी, अगर ये दिसंबर में भी हो जाता तब क्या दिक्कत थी। क्योंकि दिसंबर में चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनके हर कदम जो हैं रहस्य बना के किस तरह से चुनाव को जीता जाए। और आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, गृह मंत्री बता रहे हैं, मतलब देश को किस तरह से आप जातियों में बांट रहे हैं।